सर वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। जी, नीट जो यूपी नीट पीजी काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन कब तक आने के चांस है, एंड उसमें सर कितने स्कोर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रोच करना चाहिए? मैम, नीट पीजी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन मतलब वेरी सून, आजकल परसों कभी भी आ सकता है। ठीक हाँ, क्योंकि फर्स्ट है। सितंबर से नॉर्मल और काउंसलिंग स्टार्ट है, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट जी है जी इसका। जी 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 वो ना, वैसे भी क्या होगा, सबसे पहले स्पेशल एमसीसी का राउंड वन होता है, फिर उसके बाद स्टेट का राउंड वन होता है। हाँ, उसके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन बट अभी तक हाँ नहीं आई है। हाँ तो अभी मैं आपको बेसिक है ना, यूपी के बारे में बता देता हूँ कि अप टू किस रैंक तक बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यूपी के अंदर जो होता है फीस वेरी करती है 21-22 लाख रुपए से लेके अप टू 45 लाख तक। ठीक है, क्योंकि यूपी के अंदर स्पेशली नॉर्मल कॉलेजेस हैं, मतलब नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यानी जिनको बोलते हैं ओपन 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 टाइप ऑफ कॉलेजेस, और एक होते हैं स्पेशली ये ना माइनॉरिटी कॉलेज, लाइक हाँ ठीक है, लाइक स्पेशली देर आर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज एंड देर इज अ जैन माइनॉरिटी कॉलेज एज वेल, के ना विच इज सिचुएटेड इन मुरादाबाद, है ना। ठीक है, उस कॉलेज का नाम है तीर्थंकर। तो ना तीर्थंकर स्पेशली है जैन माइनॉरिटी, और स्पेशली वो अगर हम बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी, तो है आपका स्पेशली एरा हो गया, कैरियर हो गया, एफएच हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कॉलेजेस। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो मेन ब्रांचेस की ही हम सिर्फ बात करेंगे, कि आपको ना कितने तक का वो ठीक है ना, फीस के अंदर जो तक क्या रहने रैंक वाला है आपकी आपका, ठीक है। आप है ना, मतलब आपके ना वो बता देता हूँ ब्रांच वाइज की, जो तक कितने रैंक तक के बच्चों को ठीक है ना, वो क्या रहने वाला है ब्रांच वाइज, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप ठीक थोड़ा सा है, तो फीस का आप भी मान हिंट के दे दीजिएगा कॉलेजेस का, कि अप्रोक्सीमेटली कितनी मैम क्या फीस कॉलेजेस की रहते फीस हैं। आप मान के चलो, जो स्पेशली मेजर क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं, तो है ना उनकी फीस 21-22 लाख रुपए से वैरी करती है, और वो अप टू है ना 45 लाख रुपीज तक जाती है। ठीक है, हाँ तो वो मैं आपको है ना बता देता हूँ, और कि आप मान के चलिए कि जैसे किसी बच्चे को मतलब स्किन एंड वीडी लेनी है, ठीक है, तो इसका है ना आपका जिस बच्चे के अप टू 37-38 थाउजेंड रैंक तक भी है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे यूपी के अंदर मतलब अप्लाई करना चाहिए, और जिस बच्चे को स्पेशली जनरल मेडिसिन चाहिए, तो उसको ना 54,000 रैंक, 54,500 रैंक तक अप्लाई करना चाहिए, और बाकी जिसको चाहिए पेडेट्रिक, तो पेडेट्रिक है ना लास्ट ईयर है ना बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया था डाउन, यहाँ पे स्पेशली मतलब 85,500 रैंक के आसपास तक मिला था पीडिया। ठीक है मैडम, अब हम जो तो बात करेंगे पेडेट्रिक की, तो पेडेट्रिक अप टू 85,000 रैंक तक आप मान के चलिए, ठीक है, बच्चा है ना सेफ स्कोर रहेगा, और अगर किसी बच्चे को पैथो चाहिए, तो पैथो यहाँ पे आप अप टू 96,000 तक अपने आप को मान के चलिए, और जिस बच्चे को इसमें सेकेटरी चाहिए, तो यहाँ पे सेकेटरी आपको 97-98 थाउजेंड रैंक तक भी मिलने के चांसेस हैं अप टू लास्ट राउंड तक जाते जाते। ठीक है, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर स्पेशली रेस्पिरेटरी मेडिसिन, तो ये आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन अप टू 67-68 थाउजेंड रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर आप बात करेंगे स्पेशली ये ब्रांचेस रेडियो की, स्पेशली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तो ये आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ये अप टू 63,500 रैंक तक ठीक है आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे जो तो स्पेशली रेडियो की, तो रेडियो यहाँ पे अप टू 38,000 रैंक तक आपको मिलने के चांसेस हैं, और अगर आप बात करेंगे ईएनटी की, तो ईएनटी आपको 98,000 तक मिलने के चांसेस हैं, और मतलब अगर आप बात करते हैं सर्जरी की, तो यहाँ पे अप टू 78,000 तक आपको मिलने के चांसेस हैं। इसी तरीके से इसमें मतलब इमरजेंसी मेडिसिन की बात करेंगे, 78,000, ये आप तो मॉपअप राउंड तक के, लास्ट राउंड तक की बात कर रहे हैं कि हाँ, लास्ट राउंड ये तक जो जहाँ? हाँ ये जो ठीक है मैम, जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये अप टू लास्ट अलॉटेड सीट तक बात कर रहा हूँ, लास्ट जो अलॉटेड आपकी सीट। मॉपअप प्लस स्ट्रेट राउंड तक जाएगा। ठीक है मैम, तो स्पेशली मतलब इमरजेंसी मेडिसिन था, तो ये आपका जाएगा 46,500 के आसपास तक, तो मतलब इनसे जो 2-3 हजार रैंक तक ऊपर है, तो वो मान के चलिए उनको स्पेशली राउंड वन के अंदर सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको जितनी भी रैंक बोला है तो उसके अंदर मिल जाएंगी, और देखिए मोस्ट प्रोबली देखिए सीट इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं, तो है ना जैसे जैसे ही
जहां जहां पे काउंसलिंग मतलब स्टार्ट होती जाएंगी, तो हाँ आपको वहां पे कितनी सीटें इंक्रीज हो रही हैं उसका स्पेशली मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ओके, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को है। जैसे ही अदर स्टूडेंट्स को हम लोग अपडेट कर देंगे। हाँ जी। और फिर जो तो मतलब उससे क्या होगा कि जो भी मैं अभी आपको रैंक बताइए, इस रैंक के अंदर जो तो स्पेशली पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, ठीक है, यानी जो बच्चे को 40,000 तक कुछ मिलने वाला था, तो है ना अब उस बच्चे को ना 45,000 रैंक तक भी वो चीज मिल सकती है, ओके राइट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।